तेहि बिन मोह न भा, मोह गए बिन राम पद होहिं न दृढ़ अनुराग। लेकिन फिर भी बड़ा सौभाग्य है, ये भावना की स्फुरणा कभी ना कभी भावना की स्थिरता की ओर ले जाएगी, और फिर स्थिरता कभी ना कभी भावना की सिद्धि से परिचय करा देगी। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, एक भगवान के साधन सिद्ध भक्त हैं जो सतत साधन का अनुष्ठान करके भाव की स्थिरता प्राप्त करते हैं। एक कृपा सिद्ध है, एकाएक कृपा होती है। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी आती है, मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि कभी कभी गंगा जी में बाढ़ आ जाती है, तो वो जो किनारे जो घर बसे हैं उन घरों की उन घरों के नालों से भी गंगा जल बहता है। ऐसे यदि आप भी बने रहें जीवन में सत्संग के निकट, ऐसे ही आप और मैं भी यदि जीवन में बने रहें साधु संग के निकट, तो कभी कभी क्या होता है, संत के हृदय में भी भगवत प्रेम की बाढ़ आ जाती है। एकाएक उसकी सन्निधि में रहने वाले व्यक्ति के उर अंतर में प्रेम का प्रकाश होता है, जैसे एक जलता हुआ दीपक और एक बुझे हुए दीपक का संग कर ले एक क्षण भर के लिए, तो जल जाने के बाद फिर दीपक सो लग दीपक हुई, जल जाने के बाद फिर दोनों एक से हैं, फिर कौन नया और कौन पुराना, दोनों का स्वभाव क्या है, प्रकाश करना। ऐसे ही जिसके हृदय का दीप जला है, और इसी विचार से यहां पर बैठिएगा कि 5 दिन हम किसी ऐसे चरित्र के निकट बैठने जा रहे हैं, हम किसी ऐसे भक्त के चरित्र के चिंतन के निकट जाकर बैठेंगे। ये उपासना ही तो है, ये उपासना ही है, ये उपासना की विधि है। कभी कभी बाहर पूजा का थाल सजाकर और फिर दीपक में घी डालकर बाती लगाकर और प्रकाश किया जाता है, और कथा क्या है, यहां मन का थाल सजाकर भक्ति कर दीप प्रेम करवाती साधु संगते अनुदिन रात। ये कथा श्रवण क्या है, मन का थाल सजाकर भक्ति का दीप और प्रेम की बाती, किसी जले हुए दीपक के निकट आकर आप बैठे हैं। उपासना का अर्थ भी यही है, उप अर्थात समीप, और आसन अर्थात बैठना, समीप जाकर बैठने का नाम उपासना है। जब आप भगवान के समीप बैठे, अब होवे तो एकादशी, पर मुझे तो लगता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूं आपकी नहीं, कि एकादशी करूं तो भजन से ज्यादा भोजन की चिंता होती है, अभी सुबह क्या खाएंगे शाम को क्या खाएंगे, और कुछ लोग तो एक दिन पहले से ही तैयारी करने लगते हैं कि कल रसोई क्या बनेगी। तो उपासना का अर्थ तो है प्रभु के निकट जाकर बैठना, जो विधि आपको निकट ले जाकर बैठा दे, तो उसमें से श्रवण भी उपासना की एक विधि है। ये आपके मन चित्त को खींचकर, बलात् संसार से खींचकर ये चर्चा आपको ले जाकर कहीं प्रभु के निकट ले जाकर बैठा देगी, ये उपासना की विधि है, और अपने अपने स्फुरित भाव को स्थिर करने की ये एक बड़ी सुंदर युक्ति भी है, बड़ी श्रेष्ठ युक्ति है। तुलसी कहते बिन सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जो अनुराग और अंतर में है वो दृढ़ होता है सतत सुनते 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 इन शब्दों में। ये जो कान से श्रीमद् भागवत में भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। जैसे जैसे कोई सुनता है, और भगवान ने तो एक रहस्य भी कह दिया उद्धव जी से कि उद्धव मैं तो कान से जाता हूं हृदय में, सबसे पहला जो प्रवेश भगवान का भगवत भाव का भीतर होता है वो कान से होता है। भगवान ही कह रहे हैं यथा यथात्मा परिमृज तेसौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। ऐसे ऐसे, और फिर एक और बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत कहती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कथा सुनिए नहीं, श्रवण इन श्रोत्र बंदों को पात्र बनाइए। पिबंती भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु संभृतम। मतलब सुनना नहीं, कर्ण को पात्र बनाकर इसे पीना,
और संत ऐसा कहते हैं कि जो पहला परिचय होता है भगवान से, या आपके मेरे शब्दों में कहूं जो पहली मुलाकात होती है भगवान से, वो ऐसे ही सुनते सुनते होती है। सत्य की उपलब्धि तो नहीं, लेकिन सत्य की अनुभूति करा देता है सत्संग। और आपसे एक निवेदन करूं, चिंतन करिए कि अमावस्या की रात हो, पथ सूझता ना हो पथिक को, और घनघोर वर्षा होती हो, काई जमी हो मार्ग पे, चहु और घना अंधियारा हो, तो कभी कभी यदि बिजली चमक जाए तो वो एक क्षण के लिए जो बिजली चमकती है ना, कभी कभी पथिक को डगर दिखा देती है, पथ सूझ जाता है। ऐसे आपके मेरे जीवन में भी मोह निसा सब सोवनिहारा, इस मोह के अंधकार में और चहु और कामनाओं की वर्षा हो रही है, वासनाओं की वर्षा हो रही है, इस पथ पर भ्रम की काई जमी है, द्वंद की काई जमी है, पथ सूझता नहीं, सत्संग में आकर बैठिए, कभी कभी भगवत कृपा की बिजली चमकती है और पथिक को डगर सूझ जाती है। मैं नहीं कहता कि आपको पहुंचा देगा केवल सुनना, लेकिन अगला पग कहां धरना है, ये श्रवण की कृपा से अवश्य जीवन में अनुभूत होता है। इसलिए आप सब साधक लोग यहां पर बैठे हैं, मैं अवश्य आपसे एक निवेदन करते हुए कथा के भाव में प्रवेश करूं कि हो सके तो अपने जीवन में ये साधन बड़ी दृढ़ता से और बड़ी निष्ठा से साधे रखिए, सुनते रहिए। भक्ति की आधारशिला है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम, कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। ये जो मन दौड़ लगाता है, बार बार संसार के विषय का स्पर्श करता है, कथा ले जाती है इसे। और अपने अनुभव से आपको एक और बात बताऊं कि कथा आपको न ले जाए जगन्नाथ तक, आपको न ले जाए कथा जगदीश तक, और नहीं ले जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप बोलोगे महाराज ऐसी कथा सुनाई और कैसी बात करते हो कि पहुंच जाए भगवान के पास। नहीं ले जाए, आपको न ले जाए, लेकिन कथा उन्हें आप तक अवश्य ले आती, यहीं पर बैठे। और मैं केवल मन रखने के लिए नहीं कह रहा आपसे, ये अपने अनुभव की बात आपसे कह रहा हूं। वो मन चित्त जो किसी भी प्रकार से, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाराज का वाक्य है, जीवा स्वभावतो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। सब करता है जीव, कर सकता है, बोले भजन करता भी नहीं और कर भी नहीं सकता, भजन आपके मेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसे तो भगवान कहते ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, लेकिन जीव जो है वो स्वरूप से शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध नहीं है, स्वभाव से कुटिल है। प्रभु के सन्मुख होकर भी सन्मुख नहीं होता, प्रभु के सन्मुख होकर संसार की आशा, प्रभु के सन्मुख होकर संसार के विषय सुख की इच्छा, ये कुटिलाई नहीं तो क्या है। तभी तो सूर बाबा कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताही बिसरायो ऐसी नमक हरामी, जिस तन दियो ताही बिसरायो और ऐसी नमक हरामी। तो जीव के स्वभाव में भजन नहीं है, सत्संग स्वभाव परिवर्तन कर देता है। सुनते सुनते आपको लगेगा केवल सुन ही तो रहे हैं, आपको लगेगा यहां बैठकर क्या किया, वो केवल सुन ही तो रहे हैं, लेकिन ये सुनना ये उपासना की श्रेष्ठतम विधा है। पूजा की कोई और परिपाटी तन को भगवान के निकट ले जाती है, कथा श्रवण मन को भगवान के निकट ले जाती है, कथा मन को उपासना के योग्य करती है, कथा मन को उपासना के अनुकूल करती है। कथा आपको आध्यात्मिक भावना के धारण करने के योग्य बनाती है। आध्यात्मिक भावना, अध्यात्म अर्थात अधिआत्म, जब आत्म स्वरूप पर किंचित अधिकार हो, आत्म नियंत्रण, आत्म संयम, आत्म चिंतन, और फिर इन सब के प्रसाद स्वरूप कभी आत्म साक्षात्कार, ये श्रवण आपको इसके योग्य बनाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक तो भगवान का साधन सिद्ध भक्त है, एक कृपा सिद्ध है जो कृपा से सिद्ध हुआ है, लेकिन एक नित्य सिद्ध है
जो सिद्ध ही है, जिसका जिसका आविर्भाव ही भगवान के स्वरूप से हुआ है, वो भक्त जब संसार में आता है तो भजन करने नहीं आता, भजन कैसे किया जाए ये बताने के लिए आता है। मीरा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संसार में नहीं प्रगटी, कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए मीरा इसीलिए संसार में आई। मीरा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का मार्ग बनाने के लिए आई है, मार्ग बताने के लिए आई है। और मीरा जी जैसे किसी भक्त का संसार में आविर्भाव, इसका केवल एक ही हेतु है, भगवान तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान तो इसलिए आते हैं, लेकिन भक्त किस लिए आता है कि सीधा सीधा मार्ग बना दिया जाए, जब चारों ओर अंधेरा हो, पथ सूझता ना हो। और मीरा जी जैसे किसी भक्त का भाव दीप इस संसार में जल जाए और आप और मुझ सरीखे इस पथ के पथिकों को मार्ग मिल जाए, बस इसीलिए मीरा जी का आगमन है, इसीलिए मीरा जी का आविर्भाव है। तो आप और मैं चिंतन करते करते अपने भाव से श्री मीरा जी के चरित्र के निकट बैठ कर उनके चरित्र से स्फुरित होती कृष्ण प्रेम की सुवास का आग्रहण करने का प्रयास करेंगे। श्री राधा गोविंद देव की जय। तो आइए दो मिनट के लिए मीरा के अत्यंत प्रिय कृष्ण नाम का उच्चारण कर लें और फिर नामाश्रय लेकर श्री मीरा जी के चरित्र चिंतन का हम प्रयास करें। कृष्ण 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 हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण 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 हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, 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 हे। पांच दिन हम मीरा के भाव का एक तारा लेकर और गोविंद गुण गाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों से एक मेरी विनती है, आप सुनते समय कैसे भी बैठो आपकी राजी, सो जाओ तो भी आपकी राजी, पर लेकिन जब कीर्तन होवे, कलौ तद्धरि कीर्तना, तो आप सब सम्मिलित हो अपने भाव से। कृष्ण है कृष्ण है
कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण। हमारे यहाँ ब्रज में रसिक लोग गाते हैं, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी तो तुमको हमारा भी वो घर देखना कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है कन्हैया, तुम्हें एक नजर उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, हमें उन हाथों का हमें उन हाथों का हुनर देखना तुम्हें एक नजर। पर देखना कहाँ है, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। और छिपे कहाँ है भगवान, मानस उत्तर देती है, स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो सिया सहित दोहरा। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न चार, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह, बसौ निरंतर ताके उर सो राउर निज गे। तो मीरा जी के चरित्र के चिंतन का उद्देश्य क्या है, कहीं कृष्ण को खोज निकालना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। आप छिपे हैं कहीं कहीं मीरा की भाव भावना में, कहीं उसकी चेष्टा में, कहीं उसकी चर्चा में, कहीं उसके चिंतन में, कहीं उसकी वाणी में, कहीं उसकी अनुभूतियों में, कहीं उसके स्मरण में, कहीं उसके 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 गुणों के इस कीर्तन में। मीरा के गुणों का कीर्तन किस लिए है, कृष्ण को खोज निकालने के लिए। ये कृष्ण के अन्वेषण की विधा है। न साधयति माम योगो, रसखान तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, अरे कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जप बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए बीस बार अरे बूझत लबार को, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। तुलसी बाबा कहते हैं, सोम से सील और प्रताप दिनेश से, सोम से सील प्रताप दिनेश से, और सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से राजा विधि से बड़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, और चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और ऐते पे तुलसी कहा जो भये जो पे जान की जीवन राम न जाने हैं। ऐते पे तुलसी कहा जो भये जो पे जान की जीवन राम न जाने।
इस जीवन का एक एक उद्देश्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, और वो और जो उद्देश्य है उस परम सत्य की खोज, उस सत्य का अन्वेषण, उसकी विधा है। इसीलिए क्षमा करना, मैं आपको कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूं यहां। ये कहानी नहीं है, ये चरित्र है जिसमें रेखांकित हुआ है, इसमें निराकार साकार हुआ है। निगम ब्रह्म पर सत नहीं, वेद की श्रुतियां जिसका स्पर्श नहीं कर पाती, मीरा की एक एक चर्चा, मीरा की एक एक चेष्टा, मीरा की एक एक भावना उस रस को आपके मेरे लिए साकार करने की सामर्थ्य रखती है, उस रस को अनुभूति का विषय बनाने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए यह चरित्र चिंतन है। तो जैसे अभी हम गा रहे थे ना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, तो बस उधर देखने का प्रयास है ये। कहां जहां भक्त रूपी जू मेहंदी के पात में लाली लखी न जा, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली देखी तो नहीं जाती लेकिन है, एक प्रक्रिया से उसे प्रकट कर लिया जाता है। ऐसे भक्त भी देखने में हो सकता है आपके मेरे सरीखाई दिखाई देता, लेकिन उसका संग, उसके 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 चरित्र का चिंतन, ये एक प्रकार का मंथन है जो उसके भीतर छिपे भगवत अनुराग को प्रकट कर देता है, उस सुवास को प्रकट कर देता है। तो ये जो भक्त के चरित्र का चिंतन है, ये वस्तुतः भगवान को प्रकट करने की विधा है, ये प्रभु का साक्षात्कार कराने की विधा है मन को। और कुछ देर पहले मैंने निवेदन किया कि मेरे विचार से तो ये उपासना की सर्वश्रेष्ठ विधा है। आप मंदिर में भगवान की पूजा करते हो, संभव है आपका मन कहीं और हो जाए, हो ही जाता है, पूजा करते करते मन जाने संसार के कितने विषयों का स्पर्श करता है। लेकिन ये उपासना की वो विधा है जो तन को तो कहीं पर भी बैठा ले, लेकिन मन को भगवान के निकट ले जाती है। ये आपकी मेरी भावना को योग्य बनाकर प्रभु के निकट ले जाकर उपस्थित कर देगी। और हमारे कन्हैया का स्वभाव तो त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। कन्हैया कहता है कि मैया ने मोए बांधनो सिखायो है, खोलनो सिखायो ही ना है। मुझे तो आधी अधूरी विद्या आती है, मुझे बांधना तो आता है लेकिन मुझे खोलना नहीं आता, मैं खोलना नहीं जानता। एक बार जैसे बांध लिया, फिर उसे उस सदा के लिए अंगीकार किया है, स्वीकारयन्ति स परिपालयन्ति, जिसे स्वीकार किया है, जैसे अंगीकार किया है, फिर उसका पोषण किया है, फिर उसे सर्वतोभावेन योग्य कर दिया है। तो इसी भाव से, इसी संकल्प से बैठिएगा कि मीरा जी के चरित्र का ये चिंतन, ये कथन, ये श्रवण कृष्ण के स्मरण में सहायक हो, ये कृष्ण की स्मृति का ही प्रसाद दे। इस 5 दिवसीय चिंतन सत्र के प्रसाद स्वरूप आपको, मुझे, हम सबको कृष्ण की स्मृति का प्रसाद मिले, कृष्ण का स्मरण जीवन में सहज हो जाए, कृष्ण की भावना जीवन में स्थिर हो जाए, ये जीवन कृष्ण भावना भावित हो जाए, ये जीवन कृष्ण के अनुराग से अनुरंजित हो जाए, सुसज्जित हो जाए, ये कृष्ण के अनुराग से परिपूर्ण भावनाओं से अलंकृत हो जाए, यही इसका प्रसाद श्री गोविंद देव प्रभु के श्री चरणों से हमें प्राप्त हो गए। तो शरद पूर्णिमा के दिन मेड़ता के राजकुल राव दूदा के यहां अनेक जन्मों की पुण्य राशि संचित हुई श्री मीरा जी के रूप में। शरद पूर्णिमा के दिन श्री बाईसा का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। शास्त्र कहता है अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, और वस्तुतः उस कुल में मीरा का नहीं, साकार कृष्ण की भक्ति का हुआ, आविर्भाव कृष्ण की भक्ति हुई है। मीरा अर्थात कृष्ण की प्रीति, वो विलक्षण प्रीति, वो निष्काम प्रीति, वो निष्कपट प्रीति, वो अहेतुकी प्रीति, वो अनिमित्ता प्रीति मीरा के रूप में वही साकार हुई। और अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है, तभी जाकर किसी कुल में किसी भगवत भक्त का जन्म होता है जो आप जपे और नाम जपा, जो आप भी जपे और किसी को भी जपा दे, जो आप भी पथ पर चले और किसी के लिए पद चिन्ह छोड़ता चले कि कल को कोई आए और इस पथ का अनुसरण अनुगमन करके इस परम विश्राम को, इस परम गंतव्य को प्राप्त कर ले।
तो रावदूता संत सेवी। और एक बात मैं और निवेदन करता चलूं कि जीवन में आप साधनों के अनुष्ठान से कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन निष्काम प्रीति व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना बड़े हरि के जना। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं व्यास बड़े हरि के जना हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना बड़े हरि के जना। साधन से कुछ भी आएगा जीवन में, लेकिन विशुद्ध भक्ति संत की कृपा से आएगी, भक्त की कृपा से आएगी। राव दूदा ने यह मर्म जान लिया कि बिनु सत्संग न हरि कथा। पलटू साहेब की वाणी है कि बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, और बिना भक्ति नहीं प्रेम जागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। और मैं तो कई बार चिंतन भी करता हूं और आनंदित भी होता हूं, सत्संग की याचना किसने की? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद जिसे जिसे त्रिभुवन का गुरु कहता है वो याचना करते हैं। बार बार वर मांगी हो हर्ष दे हो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कोई तो रसानुभूति, जैसे आप देखो, आपने कभी चकमक पत्थर देखा हो जिसे घिसकर अग्नि प्रकट की जाती है, वो दोनों पत्थर बिल्कुल निकट रखे हो तो अग्नि नहीं होती, अग्नि को प्रकट करने के लिए घर्षण करना पड़ता है। ऐसे नानक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा, सोए संग समाई पुहुप माई जो बास बसत है मुकुर माई जो छाई, और तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। आप में से हम में से ऐसा कौन है जिसके जिसके हृदय घट में माया और मायापति दोनों ही न बैठे हों? आपके भीतर में संसार भी है, आपके भीतर में जगत भी है और जगन्नाथ भी है, दोनों ही तो हैं। और बिल्कुल संग संग, कैसे संग? हुप माही जो बास बसत मुकुर माई जो छाई, इतने संग। लेकिन वो चकमक पत्थर बिल्कुल संग पड़े हो तो मौन है,